क्योंकि वो जनता के ही द्वारा चुने हुए हैं। तो यहाँ जो नुमाइंदे बैठे हैं संसद में, ये कहना कि ये जन संसद है और ये संसद है, जन संसद है तो संसद है, वो जन संसद के द्वारा ही चुनी हुई संसद है, 120 करोड़ लोगों के प्रतिनिधि हैं और एक जनभावना है, ये तो काफी अरसे से है। आम जनता परेशान है भ्रष्टाचार से, एक पटवारी से लेकर के अधिकारी तक, जिलाधिकारी तक, एक पंचायत से लेकर के संसद तक, एक क्लर्क से लेकर के सेक्रेटरी तो तक, जिम्मेदार कौन प्रभा जी? अस्पतालों में, स्कूलों में, मिलावटी सामानों में, दवाओं में मिलावट, कहाँ नहीं है बहुत अच्छी भ्रष्टाचार? बात कर रहे कण हैं कण में सही व्याप्त है प्रभा जी, आज भ्रष्टाचार, वही बात आप कर कण रही हैं कण में जो व्याप्त है अन्ना भ्रष्टाचार, हजारे और लोग उनकी टीम कर परेशान रही है है। उससे। वो इसलिए इसलिए इस मुहिम के साथ इतना बड़ी जन स्वीकृति मिली, और मिलनी ही चाहिए थी, ये अपेक्षित थी। और ये सरकार, जो सरकार होती है वो, यहाँ कोई तानाशाही सरकार नहीं है, इस देश में लोकतंत्र है, जनता की आवाज को आप सुनना ये कह रही हैं और कि उसका एहसास, कर्तव्य सरकार है, को एहसास था इस बात का, बिल्कुल था इस बात का। तो फिर और अन्ना बहुत पहले हजारे से को प्रधानमंत्री जी ने, अगर एहसास न होता तो क्या सिविल सोसाइटी के सदस्यों को लिया होता इसमें? इस विषय की गंभीरता अन्ना लेकिन साहब लेकिन 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 माफ करें प्रभा जी, बीच को में रोकना देखते पड़ रहा हुए है, वरिष्ठ लिया नेता है है आप, जी। सिविल सोसाइटी को ऐसे नहीं लिया। तब भी अन्ना हजारे ने 4 दिन अनशन किया था, 4 अप्रैल से 8 अप्रैल तक जब अनशन हुआ, तब उस अनशन का नतीजा था जिसमें 10 बार कपिल सिब्बल और स्वामी अग्निवेश और अरविंद केजरीवाल के बीच बातचीत, तो हम सब गवाह है, पूरा देश गवाह है, और उसके बाद सिविल सोसाइटी और इनके बीच ड्राफ्ट कमेटी बनी थी। देखिए, जो मानने जैसी मांगे थी, पूरी संसद ने स्वीकार किया कि अधिकारियों को लिया जाए, सिटीजन चार्टर बनाया जाए, कोई जवाबदेही अधिकारियों की सुनिश्चित की जाए, प्रधानमंत्री को भी सशर्त, न्यायपालिका को नहीं। जो न मांगने जैसी बातें थी कि उनके लिए नहीं मानी जी जा सकती जी है, असहमति हम सहमति आपके पास दोनों वापस है, आएंगे, लेकिन दोनों है। हमारे बीच बैठे के एल मीना, स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य हैं। स्टैंडिंग कमेटी बहुत अहम है क्योंकि संसद से पारित प्रस्ताव को स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा गया है। इसके पहले संसद में जो लोकपाल बिल पेश हुआ वो भी स्टैंडिंग कमेटी के पास है, और पिछले 43 सालों में 5 बार स्टैंडिंग कमेटी के पास लोकपाल बिल गया और उसके बाद स्टैंडिंग कमेटी के ठंडे ठंडे बस्ते में लोकपाल बिल दफन हो गया। सवाल उठता है, इस बार संसद ने प्रस्ताव तो पारित किया है, अन्ना हजारे की शर्तों को भी माना है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल, क्या स्टैंडिंग कमेटी उन शर्तों पर अमल करते हुए ऐसा कानून बनाकर संसद में भेजेगा जो अन्ना हजारे चाहते हैं, या स्टैंडिंग कमेटी में फिर विरोध होगा क्योंकि उसी स्टैंडिंग कमेटी में लालू यादव हैं, उसी स्टैंडिंग कमेटी में अमर सिंह हैं, उसी स्टैंडिंग कमेटी में रामविलास पासवान हैं, उसी स्टैंडिंग कमेटी में मनीष तिवारी भी हैं, और उसी स्टैंडिंग कमेटी में केएल मीना है। मीना जी, देखो, जनता की ताकत को, सत्ताधीशों को, राजनीतिक दलों को पहचानना पड़ेगा। पिछले 2 साल से जिस ढंग का वातावरण देश में बना है, जो भ्रष्टाचारी नेता जेलों में, उनके नाम गिनाने की आवश्यकता नहीं, कितने बड़े बड़े भ्रष्टाचार हुए जेल के शिक्षों में हैं, वो भी जेल के शिक्षों में इसलिए गए कि सुप्रीम कोर्ट की लताड़ें थी, जनता का दबाव था, वरना जाने वाले नहीं थे, इसलिए जेलों में गए। बड़े से बड़ा ताकतवर नेता इस देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी रही, उसको भी जनता ने धूल चटा दिया। अहम ये है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, मैं ये कहना, हाँ, स्टैंडिंग कमेटी से जुड़ा हुआ मैं मसला। ये कहना चाहता हूं, स्टैंडिंग कमेटी को भी इस बात का ध्यान रखना होगा, वो मिनी पार्लियामेंट है, मिनी पार्लियामेंट को भी जनता की भावनाओं का ध्यान रख के, जो देश की जनता आज चाहती है उसके अनुकूल प्रभावी लोकपाल विधेयक पर विचार करना पड़ेगा। श्रवण गर्ग जी, स्टैंडिंग कमेटी का जो पहले का इतिहास रहा है, 68 से 4 या 5 बार स्टैंडिंग कमेटी में ये बिल जा चुका है, इस बार भी सरकार का बिल स्टैंडिंग कमेटी में पहले से, अब ये प्रस्ताव भी स्टैंडिंग कमेटी में, क्या लगता है? अन्ना हजारे ने भी कल कहा यह आधी जीत है, आधी जीत तब होगी जब लोकपाल बिल पास होगा। क्या अन्ना हजारे को अगले 3 महीने 4 महीने बाद विंटर सेशन में एक बार फिर बिल पास कराने के लिए अनशन पे बैठना पड़ेगा, या अपने आप अब सब कुछ हो जाने वाला है? देखिए, स्टैंडिंग कमेटी पर जिम्मेदारी तो बहुत है, पूरी जिम्मेदारी इस समय, पूरा जो फोकस है वो ये रहेगा कि रामलीला मैदान से जो भीड़ है आज जब लौट जाएगी, अन्ना के जो हजारों लाखों लोग जो टोपियां पहनकर खड़े हुए हैं जिसपे लिखा है मैं हूं अन्ना जी, ये अब क्या करने वाले हैं? अगर इनका दबाव कम हुआ, इनकी मांगों में जरा सी भी गर्मी कम हुई, और सरकार देखेगी कि ये अन्ना का आंदोलन अब आगे किस तरह से चलता है, तो ये उस पर निर्भर है। स्टैंडिंग कमेटी भी देखती है जनता की नब्ज और उस पर काम करती है। मतलब हमारे पास पुराने बहुत सारे अनुभव हैं, जयप्रकाश जी के आंदोलन से भी इसी तरह की आवाज निकली थी, बहुत सारी चीजें हुई थी, परिवर्तन की लहर आई थी,
और वो लालू यादव जैसे लोग अगुवाई कर रहे थे उस समय, रामविलास भी थे उस समय, ये सब नेता थे उस जयप्रकाश जी के आंदोलन के, इन्होंने उस आंदोलन को कैसे भ्रष्ट किया ये सबको पता है। बिल्कुल मीणा साहब, गर्ग साहब ने जिस तरह से कहा कि जनता की नब्ज देखकर ही स्टैंडिंग कमेटी करेगी, और अन्ना डीम को आप पे भरोसा नहीं था, पहले साफ मना कर दिया था कि नहीं स्टैंडिंग कमेटी के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, आपको जो करना है संसद में प्रस्ताव पारित कीजिए और यही पर तय कीजिए। देखो ऐसा है, अन्ना टीम को और देश की जनता को संसद पर और स्टैंडिंग कमेटी पर भरोसा करना चाहिए। एक मत से संसद ने सहमति व्यक्त कर दी है, प्रधानमंत्री, लोकसभा के अध्यक्ष, प्रतिपक्ष सब सदस्यों ने, कि हम प्रभावी लोकपाल बिल लाएंगे, इसलिए भरोसा करना चाहिए। और मैं उस टीम का सदस्य हूं, टीम का सदस्य होने के नाते बड़ी ईमानदारी से सिंसियरली प्रभावी लोकपाल बिल लाया जाएगा। अब इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही इसलिए नहीं की जाएगी, पूरा देश जग चुका है, पूरा देश सड़क पर आ चुका है, पूरी देश की जनता ने आगाह कर दिया है कि अब भ्रष्टाचार को देश की मतलब गर्ग साहब की बात ठीक है कि जनता की नब्ज आपको लगेगा कि दबाव पड़ रहा है, संसद में पारित करवा लिया असली आप नहीं, ऐसा नहीं कि केवल जनता के दबाव में ही संसद ने सारा निर्णय लिया, संसद तो पहले फर्स्ट स्ट्राइक एक्ट। मीना साहब एक बार हमें चलना पड़ेगा रामलीला मैदान जहां अरविंद केजरीवाल कुछ बोल रहे हैं, सुनते हैं अरविंद केजरीवाल को, फिर ये चर्चा जारी रहेगी और पल पल की खबरें भी हम आपको देते रहेंगे। जिन लोगों ने खाना दिया था ट्रस्ट का नाम, मैं माफी चाहता हूं, एक बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी के लोग रह गए, हम उन अनशनकारियों के शुक्रगुजार हैं जिन्होंने अन्ना जी के साथ पूरे 13 दिन का अनशन रखा। वो लोग वहां पे बैठे हुए हैं और केवल वहीं पे नहीं, पूरे देश भर में जगह जगह लोग अनशन पे बैठे हुए हैं, हम उन अनशनकारियों के शुक्रगुजार हैं। और ये मेरे पास लिस्ट है उन लोगों की जिन्होंने खाना यहां पे फ्री में खिलाया था, हम उन सब लोगों के शुक्रगुजार हैं। साथियों इस पूरे आंदोलन ने इस पूरे आंदोलन ने जनतंत्र को लेकर, भारतीय जनतंत्र को लेकर कुछ अहम सवाल खड़े किए हैं। हम 5 साल में एक बार अपना एमपी, अपना एमएलए चुन के भेजते हैं। जब संविधान बनाया गया था तो ये उम्मीद थी कि जो एमपी हैं, जो एमएलए हैं, वो जनता से समय समय पर पूछेंगे कि आप किस तरह का कानून चाहते हैं, कैसा कानून बनवाना चाहते हैं, और उसी तरह का कानून हमारी विधानसभा और हमारी संसद बनाएगी। लेकिन हम देखते हैं, सुना आपने अरविंद केजरीवाल रामलीला मैदान से कह रहे थे कि 5 साल में एक बार जनता चुनकर सांसदों को भेजती है, और उनका कहने का आशय यह था कि उसके बाद कई बार सांसद या राजनीतिक दल जनता को भूल जाते हैं। प्रभा ठाकुर जी, लोहिया ने कहा था कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती, और वही बात हो रही है कि एक बार लगता है कि सदन में चुनकर जब सांसद आ जाते हैं, अगर 2009 में जो चुनकर आए उनको 2013 के दिसंबर के पहले फिक्र नहीं होगी कम से कम कि चलो 2014 में मई में चुनाव होगा तो जनवरी से थोड़ा माहौल बनाएंगे और जनता को समझने की कोशिश करेंगे। क्या उसी का नतीजा है कि जो श्रवण गर्ग भी कह रहे थे कि नब्ज नहीं समझ पाए, इसीलिए 12 दिन जब व्यापक जन समर्थन, जन सैलाब, जन दबाव, तब 8वें दिन तो सरकार ने बातचीत का चैनल खोला, 9वें 10वें दिन फिर एक बार लगा कि डेडलॉक हुआ, 11वें दिन फिर डेवलपमेंट, हर बार आगे पीछे, क्यों समझने में दिक्कत हो रही है जनता को? मैं केजरीवाल साहब की बात का अर्थ नहीं समझ पा रही हूँ, जो वो बार बार केवल जो चुने हुए नुमाइंदे हैं, सांसद और विधायकों, उनको ही जो टारगेट कर रहे हैं, ये सरासर गलत है। गलत इसलिए है क्योंकि ये तो जनप्रतिनिधि हैं और जनता जो चाहेगी मांगेगी, मानेंगे ही। चलिए एक विधेयक भी आ जाएगा, प्रभावी विधेयक भी आ जाएगा, लोकपाल और लोकायुक्तों की नियुक्ति हो जाएगी। सवाल ये है कि क्या उस नियुक्ति के बाद जैसा देश की जनता चाहती है कि भ्रष्टाचार समाप्त हो जाएगा, हो जाएगा क्या? तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है, नहीं नहीं, आम जनता बनाना ऐसा कानून बनाएगी, इतना मजबूत कानून, इतने कानून बने हैं, सुनिए, मजबूत से मजबूत कानून बने हैं। क्या दहेज हत्याएं बंद हो गई? क्या बलात्कार बंद हो गए? क्या अपराध बंद हो गए? नहीं नहीं, आप बात सुनिए मेरी, ये जो भ्रष्टाचार है, जितने अन्ना हजारे की टोपी पहनी है, उनके आंदोलन से जुड़े हैं, वो उस टोपी को आत्मसात करें, हर कोई अन्ना हजारे बने और ये अपनी जिम्मेदारी समझे कि हम भ्रष्टाचार न होने देंगे, हमारे घर में रिश्वत का पैसा नहीं आएगा। आज हर एक को अपने घर में ये पूछना पड़ेगा, ये संकल्प लेना पड़ेगा। एक मिनट ब्रेक का वक्त, एक खाली सरकार, एक खाली कानून,
एक कानून कितने हैं इसमें? बिल्कुल बहुत बहुत कुछ नहीं प्रभा जी, प्रभा जी और आपकी बात सुनेंगे प्रभा जी, बहुत अहम बात आपने कही, इस पर बात हम जरूर करेंगे, बहुत अहम बात कही, क्योंकि जब तक जनता तय नहीं करेगी कि हम भ्रष्ट नहीं होंगे, हम घूस नहीं देंगे, हम रिश्वत नहीं देंगे, तब तक कोई कानून कुछ नहीं कर सकता। सही बात है कि देश में सैकड़ों कानून है और हर रोज उन कानूनों का उल्लंघन जनता ही करती है, जब तक जनता तय नहीं करेगी तब तक कोई कानून का कोड़ा किसी भी ढंग से पूरे सारी मसलों का हल कानून से नहीं हो सकता। लोकपाल के आसमान से उतर के बिल्कुल बिल्कुल इस पर वो भी कोई आम जनता में से ही, जैसे इतने न्यायाधीश है हमारे, इतनी व्यवस्था है, पूरी बात और भी सुनेंगे हम तुरंत लौटते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपको ये भी बता दें कि अन्ना हजारे के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि पहले राजघाट उनके जाने का कार्यक्रम था, जाना भी वो चाहते थे लेकिन तबीयत ठीक नहीं है, सीधे अनशन तोड़ते ही वो जाएंगे अस्पताल, गुड़गांव के मैदानता अस्पताल। तुरंत लौटते हैं, वहां की तस्वीरें भी दिखाएंगे, खबरें भी दिखाएंगे। श्रवण जी, मीणा जी और प्रभा जी बनी हुई है, देखते रहिए News 24। भारत माता की।